हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लाला लाजपत राय पर निबंध पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। लाइन नंबर एक, लाला लाजपत राय एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। लाइन नंबर दो, उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। लाइन नंबर तीन, इन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है। लाइन नंबर चार, उनकी माता का नाम गुलाब देवी व पिता का नाम राधा कृष्ण अग्रवाल था। लाइन नंबर पाँच, लाला लाजपत राय के पिता उर्दू और फारसी भाषा के शिक्षक थे। लाइन नंबर छः, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करम दल के प्रमुख नेता थे। लाइन नंबर सात, वे लाल बाल पाल नामक
त्रिमूर्ति के सदस्य भी थे। लाइन नंबर 8, सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लाइन नंबर 9, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय ने इस संसार को अलविदा कहा। लाइन नंबर 10, लाला लाजपत राय का जीवन आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।